हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, द संगम एज. ओपन पेज नंबर 96. द संगम पीरियड ऑफ तमिल हिस्ट्री स्ट्रेचेस फ्रॉम द 3rd century BC टू द 4th century AD. द फार साउथ ऑफ इंडिया नोन एज तमिल कंट्री वॉज डिवाइडेड अमंग सम स्टेट्स. द चोलाज, द पांड्यास एंड द चेराज वर द मोस्ट प्रोमिनेंट. तो संगम पीरियड जो था वो तमिल कल्चर में था, जो 3rd century से 4th century तक था. तमिल कंट्री वॉज डिवाइडेड अमंग सम स्टेट्स, मेन चोलाज, पांड्यास एंड चेराज वदेर. चोलाज ऑक्यूपाइड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तंजोर एंड त्रिचिनोपॉली, जिसको तिरुचिरा पाली कहते हैं, फ्रॉम द 2nd century BC. द पांड्यास रूल्ड ओवर मदुराई एंड तिनिवली डिस्ट्रिक्ट विद पार्ट्स ऑफ सदर्न ट्रावनकोर. मदुराई वॉज देयर कैपिटल ऑफ ट्रेड. तो मदुराई जो थी वो कैपिटल थी ट्रेडिंग करने के लिए, एंड लर्निंग एक्सेल्ड इन देयर टाइम्स. तो मदुराई बहुत ही एक्सेलेंट सिटी थी दैट टाइम. द चेरा कंट्री इंक्लूडेड मलबर, कोचिन एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न ट्रावनकोर. जो चेरा कंट्री थी उसमें मलबर, कोचिन और नॉर्दर्न ट्रावनकोर कवर करता है. संगम पीरियड अकॉर्डिंग टू द साउथ इंडियन लेजेंड्स मिंट द 3 संगम. संगम पीरियड के हिसाब से साउदर्न इंडिया के लेजेंड्स का जो कहना है, अकॉर्डिंग टू देम 3 संगम मतलब 3 एकेडमिक ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स सेंटर्ड चीफली इन मदुराई, मतलब 3 चीजों को मिला दिया, दैट इज संगम पीरियड. 3 संगम्स वर नोन एज 1st संगम, 2nd संगम, 3rd संगम, हेड, मिडिल, लास्ट. स्कॉलर्स बिलीव असेंबलीज वर ओरिजिनली नोन एज कूटल. कूटल जो हम लोग कहते हैं गैदरिंग, मतलब असेंबली जब होती है तो उसको कूटल कहते हैं उस लैंग्वेज में, विच वॉज ऑल्सो अनदर नेम फॉर मदुराई. सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, लिटरेरी सोर्सेस. नाउ फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट संगम एज, लिटरेरी सोर्सेज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री, संगम लिटरेचर कंबाइंस आइडियलिज्म विद रियलिज्म. The literature deals with secular matter relating to public social activity like government, war, charity, trade, agriculture and ownership etc. तो संगम लिटरेचर में आइडियलिज्म आपको मिलेगा, रियलिटी मिलेगी. जो भी बुक्स हैं वो सेक्युलर मैटर से रिलेटेड हैं, जैसे जो डेली अफेयर्स होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, वॉर, चैरिटी, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ओनरशिप, ये सब चीज़ों से रिलेटेड हैं जो बुक्स संगम एज में पाई गई हैं. संगम लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ अर्लीस्ट तमिल वर्क्स, तोलका पियाम ऑफ 10 poems, ठीक है, पाट्टू, 8 anthologies, इटोटू गाय 18 minor works एंड 5 epics. तो मतलब संगम लिटरेचर में बहुत पुराने तमिल वर्क्स आपको मिलेंगे, 10 poems की तोलका पियाम, पाट्टू, 8 anthologies, ओके, इटोटूगाय 18 minor works, 5 pics, ये सब आपको मिल जाएंगे बुक्स में संगम टाइम के. द माइनर वर्क्स आर ऑल्सो कॉल्ड सो बिकॉज द पोएम्स आर मच शॉर्टर दैन पाट्टू एंड इटोटूगाय और पाट्टू से बहुत ही छोटी पोएम्स होती थी, तो माइनर वर्क्स भी है इसमें कवर हुआ है. द फर्स्ट संगम वॉज सपोज टू हैव बीन हेल्ड एट then Madura under the guidance of the famous scholar Agastya during the Pandya region. तो पांड्या के टाइम पहला संगम बना famous scholar Agastya ने की गाइडेंस में. This संगम had 549 members including supposedly the Hindu gods Shiva, his son Murugan, Kartik and Kubera. The poets were supposed to have composed song. तो जो poets थे वो songs बनाते थे, कविता और गाने बनाते थे. द अर्लीस्ट रेफरेंस इज फाउंड इन द सॉन्ग्स ऑफ द शैविट पोइट्स. तो सबसे पहले जो पोएम्स बनी है वो शिव जी के बेस पे बनी है इन द 7th century AD. द तमिल ग्रामर डैट फॉलोड द फर्स्ट संगम वॉज अगतियाम. ओके, तो तमिल ग्रामर जो था वो अगतियाम था जिसने फर्स्ट संगम फॉलो किया है. एट कपटापुरम द 2nd संगम वॉज हेल्ड. तो कपटापुरम में 2nd संगम होता है अंडर तोलका पियार,
ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ अगस्तिया. तो तोलका पीआर की गाइडेंस में होता है. तोलका पीआर अगस्तिया के डिसाइपल थे. इट हैड 59 मेंबर्स. तोलका पीआर अर्लीस्ट वर्क इन तमिल वॉज कॉम्पोज्ड बाय तोलका पीआर इन द सेकेंड संगम. जिसने अभी मैंने जैसे तोलका पीआर की बात करी, तोलका पीआर बहुत पुराना वर्क है, अर्लीस्ट वर्क है तमिल का, जो तोलका पीआर ने बनाया सेकेंड संगम के टाइम. दिस वर्क हैज थ्री सेक्शंस. फर्स्ट टू डील्स विथ ग्रामर एंड फोनेटिक्स. थर्ड वन आर रिलेटेड टू पोएट्री. सब्जेक्ट्स जो पोएट्री में होते थे आर रिलेटेड टू डिफरेंट लैंडस्केप्स सच एज माउंटेन, फॉरेस्ट, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट्स. ये सब चीज़ों के बारे में पोएट्री में बात होती थी. द टेक्स्ट स्पीक्स ऑफ रिलीजन इन द फॉर्म ऑफ नेचर, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, इंद्र, वरुणा एंड मुरुगन. मुरुगन वहाँ पे गॉड को बोला जाता है, शिव जी को बोला जाता है, अनदर नेम ऑफ शिव जी. द फर्स्ट तमिल ग्रामर तोलका पीआर डिवाइड संगम पोएम इंटू टू ग्रुप्स, इनर फील्ड एंड आउटर फील्ड. इनर फील्ड रिफर्स टू पर्सनल फीलिंग. तो इनर फील्ड में क्या है? पर्सनल फीलिंग जो एक इंसान के अंदर किसी के प्रति होती है, एज लव विच आर डेल्ट विद इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर. आउटर फील्ड जो हमें बाहर दिखता है, टॉक्स ऑफ अदर ह्यूमन फीलिंग सच एज हीरोइज्म, जो उसका आउटर कैरेक्टर होता है, जो सोसाइटी में कैरेक्टर होता है, उसके वैल्यूज, उसके एथिक्स, चैरिटी, कस्टम्स. तो ये आउटर फील्ड है. तो तोलका पीआर डिवाइड संगम पोएम इंटू टू ग्रुप्स, इनर फील्ड विच इज लव, पर्सनल फीलिंग, एंड आउटर फील्ड विच इज वैल्यूज, एथिक्स, हीरोइज्म ऑफ समवन, चैरिटी, कस्टम, नेचर्स. थर्ड संगम वॉज हेल्ड अंडर नकीरर एट मदुराई ऑफ प्रेजेंट डे. द असेंबली हैड 49 मेंबर्स. द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क इन द इंटायर संगम लिटरेचर इज तिरुकुल कुरल, नोन एज द बाइबल ऑफ तमिलनाडु. तो तमिल भूमि की जो बाइबल होती है उसको बोला गया तिरुकुरल. तिरुकुरल एक बाइबल ऑफ तमिलनाडु है जिसको सभी फॉलो करते हैं. इट इज अ मिक्सचर ऑफ धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एंड कामशास्त्र. द फेमस तमिल पोएट एंड फिलोसोफर तिरुवालुवर कंपोज्ड इट इन द थर्ड संगम. तो ये जो तिरुवालुवर है ये थर्ड संगम में बनाया गया. ही इज कॉल्ड तिरुपुलावर और द डिवाइन पोएट जिसको हम कह सकते हैं. तिरुकुरल इज कंसिडर्ड एज अ गाइड फॉर मॉरल वैल्यूज. तो जो ये तिरुकुरल जो बुक है जिसको हम लोग बाइबल ऑफ तमिलनाडु बोलते हैं, ये मॉरल वैल्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटर लाइफ के लिए एज अ गाइड बुक है. इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस. फर्स्ट सेक्शन डील्स विथ अरम. अरम इज गुड मॉरल कंडक्ट एंड ऑनर, दैट इज धर्म सिखाती है. सेकेंड सेक्शन डिस्कस पोरल. पोरल इज द राइट वे टू कंडक्ट वर्ल्डली अफेयर्स. पोरल हमें तरीका बताती है कि कैसे हम वर्ल्डली अफेयर्स, मतलब कैसे हम अपने दिनचर्ये को कंडक्ट करें. एंड द थर्ड सेक्शन रिफर्स टू इनबम. इनबम इज द लव बिटवीन मैन एंड वुमन. ईच चैप्टर हैज द कपलेट्स. हर चैप्टर में कपलेट्स हैं. तो हर चैप्टर में कपलेट्स होते हैं. इट शोज तिरुवालुवर अटैच्ड मोर इम्पोर्टेंस टू राइटर्स लिविंग इन सोसाइटी. सोसाइटी में कैसे सही ढंग से रहना है ये कपलेट्स के थ्रू दिखाया गया है. तिरुवालुवर में अटैच्ड हुआ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अगतियाम एंड तोलका पीआर वर द टेक्स्ट ऑफ ग्रामर डेट वर फॉलोड आफ्टर द थर्ड संगम. ड्यूरिंग द थर्ड संगम पोएम्स कॉम्पोज वर कुरुंतोगाई, नीतुंतोगाई, नानुरु, नारी नाई. ये चार पोएम हैं जो थर्ड संगम के टाइम बनाई गई थी. द संगम पोएट्स वर बोथ तमिल मैन एंड वुमेन फ्रॉम वेरियस प्रोफेशंस एंड क्लास ऑफ सोसाइटी. तो जो संगम पीरियड्स में जो पोएट्स थे वो मैन भी हुआ करते थे, वुमेन भी हुआ करती थी, वेरियस प्रोफेशन से बिलोंग करती थी एंड फ्रॉम वेरियस क्लासेस. You all can see children figure 5.1 on the same page. This is a palm leaf manuscript in Tamil language. Archaeological sources. Now this is another sources of information for Sangam Age. Megalith. During the Sangam Age, South India was passing through the Iron Age culture as the Megalithic culture.
These megalithic were in form of dolmens, cyst, cairn, urns, etc. These are the polytic burial sites and monuments consisting of small and huge stones, either rough or smooth. तो मतलब जो बड़े बड़े stones होते हैं और बहुत small, बहुत ही बड़े stone, rough हों, smooth हों, ये कुछ पुराने burial sites हुआ करते थे. और megalith stones जो होते हैं they are used for constructing monuments. A large prehistoric stone, तो जो संगम एज में पाया गया था, क्योंकि उस टाइम आयरन एज कल्चर था, मेगालिथिक कल्चर वी कॉल. अ डॉलमेन कंसिस्ट ऑफ 3 अपराइट स्लैब्स कवरिंग 3 साइड्स विथ अ कैप स्टोन ऑन टॉप. आई वुड लाइक टू शो यू अ पिक्चर ऑफ डॉलमेन जिसमें बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े स्लैब्स में पत्थर रखे हुए हैं और ऊपर से एक टॉप कवर है एक स्टोन से. तो ये ओपनिंग, द ओपनिंग इज टूवर्ड्स द साउथ. फ्लोरिंग इज यूजुअली ऑफ स्टोन. वी फाइंड ईदर अ सिंगल डॉलमेन और इन ग्रुप्स इन डेजर्टेड एरियाज, सजेस्टिंग दैट दीज आर द सिमेट्रीज. नॉट ऑल डॉलमेन कंटेन बोन्स ऑफ हेड. सारे डॉलमेंस में बोन्स नहीं है हेड की, बट हाँ, सम आर मेमोरियल डॉलमेन. दीज साइट्स आर फाउंड इन कॉम्बेटो, डिंडुगल, नीलगिरीज एंड द पालनी हिल्स. नेक्स्ट इज सिस्ट. सिस्ट इज द बॉक्स लाइक ग्रेव, जैसे बॉक्स होता है उस तरीके का ग्रेव जैसे सिस्ट होता है. इट इज यूजुअली बिल्ट विद 2 स्टोन स्लैब्स ऑन ईच अदर ईच साइड फॉर द बरियल ऑफ द डेड. तो ये 2 स्टोन स्लैब्स होते हैं दोनों तरफ साइड पे होते हैं फॉर द बरियल ऑफ द डेड. मतलब डेड बरीड होगा तो उसके दोनों साइड में 2 स्टोन्स लगाए जाएंगे. देयर इज अ कैप स्टोन ऑन द टॉप. You all can see, this is a dolmen megalith. आप देख सकते हैं कि 3-4 uprising slabs हैं stone की और ऊपर से cap stone है, वो भी stone से है और नीचे भी stone है. The next picture shows cyst, megalithic cyst as a burial. It looks like a grave box, है ना? दोनों तरफ से, each side से आपको स्टोन दिख रहे हैं और ऊपर से भी देखिए कैपस्टोन की जैसे स्टोन से है, कैपस्टोन है ऑन द टॉप. सिस्ट इज कॉमनली सीन इन द पदुकोटाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. अ केयर इज अ हीप ऑफ स्टोन रबल फिल्ड अप एज अ मेमोरियल. मोस्ट ऑफ इन अ सर्कुलर इंक्लोजर इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप्स ऑफ रफ स्टोन्स और इवन सिंगल स्टोन्स टू मार्क द बाउंड्री. Beneath the cairn, maybe a single or many graves are there with stone chests to contain the dead body as well as the urn. Cairn are common throughout Tamil Nadu. Cairn आपको जगह-जगह मिल जाएगा पूरे तमिल नाडु में. Cairn is a heap of stone, जो filled up as a memorial. I want to show you a picture. Cairn is like this. बहुत सारे stones एक के ऊपर एक के ऊपर एक. इससे ये तो बहुत घना है, इससे कम भी रहते हैं. तो इस तरीके से कैन रहते हैं, हीप ऑफ स्टोन्स रबल फिल्ड अप अ मेमोरियल. पूरा मतलब बीच से पूरा भर जाता है. मोस्ट ऑफ इन अ सर्कुलर, ये सर्कुलर ही रहते हैं शेप में. आई वॉन्ट टू शो यू मोर पिक्चर्स. दिस इज ऑल्सो लुक लाइक अ कैन. कैन इन तमिलनाडु, सर्कुलर कैन इन तमिलनाडु. यू ऑल कैन सी इन दिस पिक्चर. नाउ नेक्स्ट इज उन. Urn is a tall, rounded vase with a narrow neck and foot pedestal. Urn burials are found in the districts of Trichy and Nagapattinam. In Tuticorin district, an extensive burial site on the right bank of the river Tamirapparani has been excavated. So, Tamirapparani ke river ke tat pe ek extensive burial site hai. Tuticorin district पे तो 3 urns containing writing similar to the early Tamil Brahmi scripts have been found. तो ये चीज वहां मिला है. आई वॉन्ट टू शो यू अ पिक्चर. यू ऑल कैन सी फिगर 5.5 ऑन द सेम पेज. urn burials at Situ, bones and burial goods. तो along with the skeletons, a number of things were kept at the time of the funeral, like pots, iron tools, beads, metal vase,
husk, rice, grains, half-burned grains, red and black ware, copper bangles, earrings, iron spearheads, daggers and swords have been found. तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं जब skeleton के साथ भी बहुत सारी चीज़ें funeral के time रखा जाता है, funeral के time, तो वो सारी चीज़ें भी मिली, skeleton भी मिले, bones भी मिले, तो ये उन burials हैं. The pottery inside the grave, red and black ware, is so named because the inside and the rim are of them, are black in color. Red and black pottery क्यों बोला गया? क्योंकि अंदर से वो black है in color, while the outer surface जो है वो red है, तो red and black ware बोलते हैं. It is connected to the use of iron and therefore it is also called Iron Age pottery. तो Iron Age pottery बोला जाता है क्योंकि वो Iron Age के time का है, उस time use हुआ है. Next is monolithic burial sites and monuments include menhirs and burial stones. Menhir, it is a single rough stone placed vertically on the grave or near to it. Single rough stone होता है जो grave के vertically या फिर उसके बगल में रखा जाता है. Menhir may be small or huge in size. Sometimes one larger, one small menhir appear facing each other. It is commonly believed that they represent a king and a queen. ये विश्वास रहता है, मतलब इट इज कॉमनली कहा जाता है कि ये किंग और क्वीन को दर्शाता है कि अगर मेन्हिर रखा गया है तो या तो ये किंग थे या तो क्वीन थे. सम ऑफ द मेन्हिर्स आर मेमोरियल. मेन्हिर स्टोन, यू ऑल कैन सी फिगर 5.7 ऑन पेज नंबर 99. हीरो स्टोन्स, वीराकल, मीन erected stones to remember some memorable hero who died defending his territory or giving up his life as supreme sacrifice for his community or region. Means हम ये कह सकते हैं कि जो hero जो अपनी territory को defend करते समय मर गए या war करते समय मर गए या उन्होंने अपनी life को sacrifice किया, supreme sacrifice किया for the sake of community, for the sake of region, for the sake of their land, और पैट्रियोटिक फीलिंग जिनके अंदर थी उनको याद करने के लिए उनके लिए हीरो स्टोन्स बनवाते हैं. यूजुअली द वीराकल शोज द फिगर ऑफ दैट हीरो विथ इंस्क्रिप्शंस गिविंग डिटेल. उस हीरो की डिटेल्स लिखा जाता है उनके उस पत्थर में. द बैटल, कौन से बैटल पे वो लड़े, कैसे मर गए, कैसे किस बैटल पे वो डाइड हो गए. द किंग, इन हूज रीजन, किस जमाने पे वो लड़े, किस टाइम पे वो, किस किंगशिप के टाइम वो लड़े, वो बैटल हुआ. एंड द पर्सन हु बिल्ट, और वो पर्सन जो वो हीरो स्टोन बनवा रहा है उसको मेमोरी करने के लिए उस पर्सन का भी नाम लिखा रहता है. ईदर दे आर सिंगल और इन ग्रुप. दे आर कॉमनली फाउंड आउटसाइड अ विलेज और नियर अ लेक और अ टैंक. तो हीरो स्टोन्स यूजुअली आपको विलेज के बाहर या किसी लेक के पास या टैंक के पास मिलेगा. फिगर 5.9 शोज Hero stone of Sangam age. You all can see this figure. This hero stone is in Chennai Museum. Some hero stones look exactly like dolmen. Kuch hero stones to ekdam exactly same lagte hain dolmen jaise. The hero's figure is generally carved on the slab facing the entrance. It looks like a temple with the figure of the hero resembling an image of a god. Plain dolmen were also found by the side of some hero stones. तो प्लेन डॉलमेन भी हीरो स्टोन्स के अगल बगल दिखते हैं. आर ऑल्सो फाउंड बाय द साइड ऑफ हीरो स्टोन्स. दे वर सेटअप एट द सेम टाइम. तो डॉलमेन भी उसी टाइम बना जैसे हीरो स्टोन जब सेटअप हुआ. हीरो स्टोन्स आर मेंशनड इन मेनी संगम पोएम. अवायर, अ ग्रेट पोएटिस ऑफ द संगम एज, राइट्स अ डॉलमेन वॉज इरेक्टेड इन ऑनर ऑफ द फेमस चीफ अथिया मानी एंकी ऑफ प्रेजेंट सालेम एंड धर्मपुराम एरियाज. तो धर्मपुराम एरियाज, सालेम एरियाज में अथिया मानी एंकी, ये फेमस चीफ थे, इनके ऑनर के लिए अवायर ने डॉलमन लिखा था. ही वॉज अ ग्रेटेस्ट ग्रेट पोएटिस ऑफ दैट संगम एज. पोलका पियाम डिस्क्राइब्स द स्टेजेस ऑफ हीरो स्टोन सेटिंग, द कॉरिंग ऑफ स्टोन, कीपिंग इट अंडर वाटर, प्लांटिंग द कार्व्ड इमेज, फूड ऑफरिंग्स, प्रेयर्स, चैंट्स. ये सब थोलका पियाम डिस्क्राइब करता है कि हीरो की सारी स्टेजेस. हीरो स्टोन्स वर सेट अप अंडर द पालवा एंड द चोला रूल्स फ्रॉम द 5th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी AD. अ हीरो स्टोन फाउंड एट कोडू मुंडी डिस्ट्रिक्ट इज डेटेड इन द टाइम ऑफ राजेंद्र चोला. तो राजेंद्र चोला के टाइम कोडू मुंडी डिस्ट्रिक्ट में हीरो स्टोन पाया गया.
Even today, a hero stone memorial looking like a village temple is respected and worshipped. आज भी हीरो स्टोन है और उसकी पूजा भी होती है, एज अ टेम्पल की तरह वो दिखता है, विलेज टेम्पल, जगह जगह विलेज में टेम्पल जो छोटे छोटे बने रहते हैं, पीपल वर्शिप देयर. दिस हैज लेड टू अ कल्ट ऑफ विलेज गॉड्स. ऑन द डेथ ऑफ द हीरो अ बैलेड वॉज कॉम्पोज्ड एंड sung. तो जब भी किसी हीरो की डेथ होती है एक बैलेड कॉम्पोज किया जाता है, गाया जाता है. हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड. ही स्लोली बिकेम द सेवियर और प्रोटेक्टर ऑफ हिज रीजन और किंगडम. एन एग्जाम्पल इज द करूपा कल्ट. तो करूपा कल्ट एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है इस हीरो स्टोन मेमोरियल का. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट सोसाइटी इन संगम एज.